हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चवला भिंडी की ये बहुत ही शानदार सब्ज़ी। चवला भिंडी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आता है, ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए अब बिना कोई देर किए ये शानदार सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। उसके अंदर हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच के करीब चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा लगता है, लहसुन का टेस्ट चवला भिंडी के साथ बहुत ही अच्छा है। अब हम लहसुन को अच्छे से फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 250 से 300 ग्राम कटी हुई है भिंडी। मैंने इसको गोलाई में कट किया है, आप चाहे तो इसको खड़ा भी कट कर सकते हैं। मैंने इसकी गोल कटिंग की है भिंडी की। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं लगभग 200 ग्राम सूखे चावले, साबुत चावले जो होते हैं वो। मैंने इन चावलों को 2 नाइट से पानी में भिगोकर रखा हुआ था फ्रिज में, इसलिए इनकी साइज़ डबल हो गई है। ये 150 से 200 ग्राम ही साबुत चावले हैं। अगर आप इसको 1 नाइट के लिए पानी में भिगोकर रखते हैं चावलों को, तो फिर आपको प्रेशर कुकर में 2 सीटी लेकर इन्हें पकाना होगा पहले। लेकिन मुझे इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसे 2 नाइट के लिए पानी में भिगोकर रखा हुआ था। अगर आपको अर्जेंट है तो आप 1 नाइट बाद बनाना चाहते हैं अगले दिन, तो आप इसे 2 सीटी लेकर कुकर में इन्हें थोड़ा सा पका लें। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है इन्हें, सिर्फ 2 सीटी काफ़ी है। उसके बाद हम इन भीगे हुए चावलों को इस भिंडी के अंदर डाल देंगे। इस बात का ध्यान रहे कि आपको चवला भिंडी की सब्ज़ी में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि चवला भिंडी के अंदर जो है भिंडी की लार नज़र आएगी आपको, तो इस बात से आप बिल्कुल घबराए नहीं, 5 मिनट बाद ही बिल्कुल सही हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, जैसे कि 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जितना आप खाते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हम पहले ही डाल चुके हैं, 1/2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास साबुत चावले सूखे चावले नहीं हो तो आप यहाँ पर फ्रेश चवला फली के दानों का भी यूज़ कर सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी भिंडी के साथ बहुत अच्छा है। लेकिन अभी मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ पर साबुत चावलों को यूज़ किया है। अब वापस हम इसका ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी चवला भिंडी की जो लार थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, ये पहले से काफ़ी ड्राई हो गई है और हमें स्टार्टिंग से एंड तक गैस का फ्लेम जो है वो स्लो टू मीडियम ही रखना है। ये देखिए हमारी चवला भिंडी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी एवरेस्ट का सब्जी मसाला। आपके पास जो भी मसाला हो एवरेस्ट का जो रेडीमेड आते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं 1/3 चम्मच अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर एवरेस्ट का सब्जी मसाला डाला है। अब हम इन सबको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद वापस हम इसका ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए वापस 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी जो है वो अच्छे से पक चुकी है, बन चुकी है। हम एक बार चेक कर लेते हैं नाइफ की हेल्प से चावले को काट कर कि अच्छे से पके हैं या नहीं। हमारे चावले जो है वो नाइफ़ की हेल्प से इजीली कट रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी चवला भिंडी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। हमें चावलों को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप प्रेशर कुकर में भी अगर 2 सीटी लेकर इन्हें बॉईल करते हैं तो। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारी चवला भिंडी की सब्ज़ी कितनी यम्मी लग रही है, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
अब हम इसे जल्दी से सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी चावला भिंडी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी इसी तरह की रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।